बच्चों आज हम क्लास 12th में प्रकाश के ध्रुवण की स्टडी करेंगे। प्रकाश के ध्रुवण के बारे में ये कहा जाता है कि जब प्रकाश की सममिति में कमी होती है या प्रकाश के कंपनों को एक दिशा में रिस्ट्रिक्टेड कर दिया जाता है। इस घटना को प्रकाश का ध्रुवण कहते। देखिए, अगर हमारे पास कोई भी प्रकाश है उसके और जो वाइब्रेशन है या कंपन है सभी दिशाओं में या सभी समतलों में होते हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, एक आध्रुवित प्रकाश को लेकर चलता हूँ। आध्रुवित प्रकाश को मैं ऐसा शो कर देता हूँ, ये चला जाता है ये, और इसके कंपन सारे डायरेक्शन में शो करने के लिए मैं यहाँ पर ऐसा लेके चलता हूँ, ये गया ये गया ये गया ये गया। तो इसमें से इसका मतलब होता है कि कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं। ये चले गए, ये चले गए, ये चले गए। तो ये जब कंपन सभी दिशाओं में होते हैं तो इसको आध्रुवित प्रकाश कहते हैं। एक जब प्रकाश का ध्रुवण कर दिया जाता है, ध्रुवण एक ध्रुवण के पश्चात प्रकाश के कंपनों को एक दिशा विशेष में रिस्ट्रिक्टेड कर देते हैं और यह है युक्ति पोलेराइड कहलाती है। तो अब अगर हमारे पास क्या हो गया, पोलेराइड में हम क्या करते हैं, नाइट्रो सेल्यूलोइड की एक फिल्म लेते हैं। अब ये जब समतल ध्रुवित प्रकाश आता है तो इसके वाइब्रेशन ये डायरेक्शन में होते हैं, सभी दिशाओं में होते हैं, ठीक। अब पोलेराइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं,
लेके चलते हैं और एक विश्लेषक लेके चलते हैं। तो इसमें नाइट्रोसेल्युलोज की बहुत पतली फिल्म होती है और इसमें से ये जो आता है, ये जो प्रकाश आ रहा है, यह प्रकाश मेरे पास ध्रुवित आध्रुवित प्रकाश है। ये देखे, ये आध्रुवित प्रकाश जा रहा है और इसमें कंपन सभी दिशाओं में हो रहे हैं। ठीक, तो इसमें कंपन सभी दिशाओं में होते हैं। अब मैं यहाँ पर एक पोलेराइड ले लेता हूँ, ये मेरे पास पोलेराइड कहलाता है। ये बहुत थिन नाइट्रोसेल्युलोज की फिल्म होती है, इसमें कम वाइब्रेशन, ये इसमें बहुत पतली पतली स्लिट बना दी जाती हैं। अब इससे निकला हुआ प्रकाश यहाँ से जब जाता है तो ये समतल ध्रुवित होता है, इसमें वाइब्रेशन केवल एक ही डायरेक्शन में आते हैं। तो एक ही डायरेक्शन में यहाँ पर वाइब्रेशन आ रहे हैं और ये वाइब्रेशन यहाँ से निकल कर आते हैं और ये प्रकाश यहाँ से होता जाता है और ये मेरे पास क्या कहलाता है, एनालाइजर कहलाता है। एनालाइजर कहलाता है, यहाँ पर हम समतल ध्रुवित प्रकाश को देख सकते हैं कि इसके वाइब्रेशन केवल इसी डायरेक्शन में हो रहे हैं, यानी कंपन एक ही डायरेक्शन में होते जाते हैं। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, ध्रुवित प्रकाश को, ध्रुवित प्रकाश को हम ऐसा लेके चलते हैं, ये आ जाता है, इसके वाइब्रेशन या तो मेरे पास ऐसे ही चलते हैं, एक ही डायरेक्शन में होते हैं, इसको शो ऐसा किया जाता है कि या तो ऐसे वाइब्रेशन चल रहे हैं या इनवर्ट डायरेक्शन में यहाँ पर वाइब्रेशन चलते हैं। ठीक, तो ये हो गया। या वाइब्रेशन कैसे हो जाते हैं, इनवर्ट आ जाते हैं। इस कंडीशन में मेरे पास ये जो प्रकाश होता है, ये समतल ध्रुवित प्रकाश होता है, इसको या तो ऐसे या ऐसा शो करते। आपके सिलेबस में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो बनता है वो ब्रूस्टर का नियम बनता है, ब्रूस्टर का नियम। इस नियम के अनुसार ये आता है, यदि कोई प्रकाश, यदि कोई आध्रुवित आध्रुवित प्रकाश किसी सेमी पॉलिश्ड क्रस्ट से इस प्रकार परिवर्तित हो कि जब परावर्तित एवं अपवर्तित तरंग के मध्य 90 डिग्री का कोण बने, इस स्थिति में जो आपतन कोण होता है उसे ध्रुवक
एवं इस ध्रुवक को आईपी के लिए ब्रूस्टर के नियम से माध्यम का अपवर्तनांक म्यू इक्वल टू टेन आईपी के मान के बराबर होता है। ये ब्रूस्टर ने नियम दिया। इसको मैं यहाँ पर एक्सप्लेन कर देता हूँ। सपोज करिए ये कोई ट्रस्ट है, इस पर एक आध्रुवित प्रकाश यहाँ पर आ रहा है, ये आ रहा है, ये आध्रुवित प्रकाश यहाँ पर आ रहा है। आध्रुवित प्रकाश को हम शो करने के लिए ये कंडीशन लेते हैं। जब ये प्रकाश यहाँ पर आता है, एक ऐसी कंडीशन आती है जब ये जो प्रकाश होता है ये समतल ध्रुवित हो जाता है। इस कंडीशन में ये जो आपतन कोण होता है इसे आईपी से शो करते हैं, ये मान लीजिए आर और ये आर डैश होता है। अब ध्यान रखिएगा ऐसा आता है तो इन दोनों के बीच का कोण कितना बनता है, 90 डिग्री बनता है। ये प्रकाश की किरण समतल ध्रुवित और समतल आध्रुवित दोनों पार्शियली हो सकती है, ठीक है, लेकिन ये जो परावर्तित प्रकाश होता है ये परावर्तित प्रकाश पूर्णतः समतल ध्रुवित होता है। यह जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश, ये चला गया, ठीक। तो इन दोनों परावर्तित और अवर्तित प्रकाश की किरणों के बीच का कोण कितना है, 90 डिग्री। तो आपको मालूम है प्रकाश का वर्तनांक म्यू इक्वल टू साइन आई अपॉन साइन आर, ठीक, ये आपके पास आ जाता है। इसलिए मैं यहाँ पर म्यू लेके चलूं, ये कितना आ जाएगा साइन आई पी अपॉन, इसको आर डैश लेके चल रहा हूँ, ये कितना हो गया साइन आर डैश समीकरण नंबर एक। ये जो कोण बन रहा है ये ध्यान रखिएगा साइन आर डैश है ये, ठीक है, क्लियर। अब आप देखिए इसमें ये आर है, ये आर डैश है, इन दोनों के बीच का कोण 90 डिग्री, आर प्लस 90 प्लस आर डैश इक्वल टू 180 डिग्री, इसलिए आर डैश बराबर कितना जाएगा 90 माइनस आर के मान के बराबर हो गया। समीकरण एक में मान रख दीजिए म्यू बराबर कितना जाएगा 10 आई पी साइन आई पी साइन आई पी अपॉन, ये कितना जाएगा साइन आर डैश की वैल्यू रख दीजिए साइन 90 माइनस आर, साइन 90 माइनस थीटा कितने के इक्वल होता है कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा कॉस आर, ठीक। मेरे पास कितना आ गया म्यू इक्वल टू साइन आई पी अपॉन कॉस आर इनटू, आप देखिए इसमें परावर्तन भी हो रहा है तो आई पी इक्वल टू आर के बराबर है। इसको मैं कैसे लिख सकता हूँ म्यू इक्वल टू टेन आई पी अपॉन कॉस आई पी, ये आ गया, ये प्रकाश आया, ये प्रकाश आया, ये चला गया, ये कितना हो गया
आईपी ये हो गया आर। परावर्तन की घटना में आई और आर बराबर होते हैं, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, ये आपका साइन ही है, मैंने टेन लिख दिया गलती से, ये कितना जाएगा साइन आईपी अपॉन कॉस आईपी के बराबर होता है, तो न्यू बराबर कितना जाएगा टेन आईपी, और यही क्या कहलाता है, इसी को मैं क्या बोलता हूँ, ब्रूस्टर का नियम बोल देता हूँ। ये इम्पोर्टेंट है और ये आपके एग्जामिनेशन में आता है। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, इस होमवर्क को आप पोलेराइड के उपयोग लिखिए, ठीक है, इस क्वेश्चन को कर लीजिएगा, बहुत आर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक।